अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन बहुत मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ फ्यूजन रेसिपीज़ का। एंड सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉल करके मुझे बताना है कि क्या न्यू रेसिपीज़ आप लोग घर पर ट्राई कर रहे हैं, क्या न्यू फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, या वही कुर्बानी का गोश जो है आप लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो आज की रेसिपी इवेंचुअली बड़े मज़ेदार सी है। एंड रेस्टोरेंट्स में अब वही मोरक्कन चिकन और टारागोन चिकन तो मिलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट जो है ना अब आना शुरू हो गया है। एंड बिल्कुल अलग अलग वेरिएशंस भी आना शुरू हो गए। तो वैसे हुमस आज हम बनाएंगे, लेकिन हुमस प्लेटर होता क्या है, ये बिल्कुल वो भी नहीं है कि इसके साथ बिस्किट्स रख देंगे या वो चीज़, नहीं, इसको प्रॉपर एक मेन कोर्स की तरह सर्व किया जाता है रेस्टोरेंट में। एंड इवेंचुअली अभी रिसेंटली मैं गया था ओवर द वीकेंड एंड मैंने खाया था, बड़ा बेहतरीन उसके अंदर हुमस था, फुली लोडेड, उसके साथ थोड़े से क्रूटॉन्स थे, थोड़े से आलपिनोस थे, ऑलिव्स थे और चिकन भी था उसके अंदर। तो मैंने कहा क्या बात है यार, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसी तरीके से शेयर करूं। और होता ये कि ऑब्वियसली हुमस जो है अरबी लोग भी बड़ा अच्छा बनाते हैं, टर्किश लोग भी अपने अंदाज में बनाते हैं, तो आज बड़ा इजी वे में किस तरीके से हुमस बनाया जाता है वो आपको सिखाऊंगा। सेकंड रेसिपी आज अगेन बहुत इजी है और हम गोश्त खा के ना थक जाते हैं, सीधी बात है, तो चिकन लवर्स भी इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे प्रॉन राइस, थोड़े से उसको फ्यूजन देंगे वेजिटेबल्स के साथ, असॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं, जिस तरीके से आपका फ्राइड राइस बनता है ना उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉन राइस बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये स्पाइसियर वर्जन होगा, इसलिए क्योंकि प्रॉन सिंपल आप उसको काली मिर्च डाल के, नमक डाल के वैसे तो आप सीज़न कर सकते हैं, लेकिन लोगों को एक ज़्यादा ये भी एक चीज़ होती है कि इसकी जो हीक होती है वो किस तरीके से ख़त्म की जाए। अगर इसमें स्मेल आ गई आपके प्रॉन में तो आपका सारा का सारा जो गेम है ना, आपकी जो डिश है वो ख़राब हो जाएगी। सिंपल आपने क्या करना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें इसके अंदर ओवर नाइट, इसको रख दें सीज़न करके, नमक डाल दें या विनेगर जो होता है उससे आप इसको पहले थोड़े से इसको डिप करें और उसके बाद इसको स्ट्रेन आउट कर दें ताकि बेहतरीन सी जो इसकी खुशबू है ना वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर तेल वाले मैंने लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है टेम्पूरा भी ले सकते हैं, सिंपल जो आपके बिल्कुल बेबी वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को सी फूड नहीं पसंद, वैसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको मीट के साथ भी कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली चिकन के साथ तो वैसे भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हुमस है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सिंपल इसमें एक तहीना सॉस होती है, तो वो किस तरीके से बनती है, वो तिल से बनती है। तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि सिंपल वर्जन एक मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि आपने यहाँ पर चिक पीस जो होते हैं, जो चने होते हैं, उसका अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना, उनका छिलका उतार लेना है। छिलके समेत भी वैसे यूजली लोग बना लेते हैं, लेकिन ये कि वो ग्राइंड होने में ना बड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, उसको आप ग्राइंड करते रहते हैं, पेस्ट नहीं बनती। और उसके अंदर एक और भी चीज़ डलती है, वो ये होती है गार्लिक, और गार्लिक के साथ साथ आपने क्या करना है, वो आपने आइस क्यूब्स जो होते हैं ना वो डालने हैं। एंड सबसे पहले काम करते हैं हम लोग प्रॉन पे आ जाते हैं। प्रॉन को सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा सीजन करेंगे, सीजन मैं पहले कर चुका हूँ नमक और जिंजर गार्लिक के साथ, ये 500 ग्राम्स हैं, तो आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी अगर जितनी बढ़ानी है आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके अंदर अगेन मैं आपको बता दूँ कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और नमक डाल के पहले ही इसको मैरिनेट कर लिए, क्या ताकि कोई भी इसकी जो हीक है, कोई भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर ऑयल मैं ऐड करूँगा, इसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको मैं यहाँ पर फ्राई करूँगा, फिर बाद में जितनी भी सीजनिंग आएंगी वो ऐड करेंगे। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि टोमेटो पेस्ट जो होती है, टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं, पेस्ट भी ले सकते हैं, उसके साथ नमक है, यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, सोया सॉस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। सोया सॉस के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं ताकि बड़ा पैन एशियन फ्लेवर आए। बस ये आपका जितना सारी जितनी चीज़ें, जितनी भी फ्राइड राइस हो गई है, सारी पैन एशियन होती हैं, ये वैसे वॉक में बनती है, चाइनीज़ वॉक में, तो रेस्टोरेंट्स में होता है कि फुल हाई फ्लेम होते हैं, तो हमारे पास वो हाई फ्लेम एज सच नहीं है, लेकिन घर में जिस तरीके से इजीली बना सकते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। एंड साथ ही यहाँ पर तीन अंडे हैं, अंडे भी जाएंगे, और एक बाज़ार में बड़ी बेहतरीन सी एक पेस्ट बनती है, वो है टॉम यम पेस्ट, ठीक है, ये चिली पेस्ट भी कह जाती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है चिली पेस्ट का, इसको पका के बिल्कुल ना इस तरीके की शेप हो जाती है, मैं आपको सिखाऊंगा, इट्स वेरी इजी। लेकिन ये जो है ना पैन एशियन खाने हो गए, आपके चाइनीज़ खाने हो गए, उसके साथ बड़ा ही बेहतरीन सा एक टेस्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे प्रॉन है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसको फ्राई करेंगे ताकि बेहतरीन सा फ्राई हो जाए, उसके बाद सारी सीजनिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। एंड इसी के साथ मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर गार्लिक है, वो भी ऐड करूँगा, चॉप्ड गार्लिक। अब बस इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से सॉटे कर लेना है।
ये वैसे तो हाई फ्लेम पे होना चाहिए, फुल हाई फ्लेम पे होगा तो ही बड़ा बेहतरीन सा होगा। एंड इसको आपने हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका लेना है। एंड उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स हैं, राइस भी बॉयल हो रहे हैं। जैसी राइस आएंगे सारी चीज़ें मिक्स करनी है, और एक और एडिशन मैं करूँगा यहाँ पर चिकन क्यूब का, ताकि फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। बस यहाँ पर बेहतरीन से हमारे प्रॉन्स भी हो रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर। अब यहाँ पर इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अभी पके नहीं है, पक तो बहुत जल्दी जाते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टोमेटो पेस्ट प्रॉपर तरीके से आपने पेस्ट ऐड कर देनी है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये बहुत समझे स्पाइसी लेवल होगा इसका। एंड यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड जाए हम ऐड करेंगे, एंड ऑयस्टर सॉस। इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, पकने छोड़ देना है, ताकि बेहतरीन सा सारी की सारी जितनी भी सॉस है ना वो इसके अंदर रच जाए। एंड प्रॉन तो इवेंचुअली बहुत जल्दी पक जाता है, फिश हो गई प्रॉन्स हो गए तो इसको समझे कि 5 मिनट मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट पे वैसे अच्छे तरीके से पक जाते हैं। बस ये इसको अच्छे तरीके से बस हमने क्या किया यहाँ पर पका लिया। एंड ये जो प्रॉन्स हैं बेहतरीन से यहाँ पर समझे कि रेडी हो चुके हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से राइस को हम फ्यूजन देंगे। आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएं। फ्राइड प्रॉन्स राइस, अच्छा प्रॉन्स 1/4 किलो, उबले चावल 2 कप, तेल हसबे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अनियन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, अंडे 3 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, गाजर चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, लाइट सोया सॉस 2 खाने के चम्मचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चम्मचे। टोम यम सॉस के लिए मेयो 1 कप, टोमेटो केचप 1/2 कप, सिराशा सॉस 2 खाने के चम्मचे, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चम्मचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे जो प्रॉन्स हैं बेहतरीन से हो गए हैं, एंड थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था। एंड आपने टेस्ट कर लेना है कि अगर सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप में थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ प्रॉपर तरीके से जो है ना बड़ा बेहतरीन सा ये समझें कि जितने भी सारे सॉसेस आपने डाले थे ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएंगे। एंड इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर अब आ जाते हैं राइस पे। सिंपल आपने एक बड़ा वोक लेना है, एंड आप घर पर बनाएँ तो आपने क्या करना है, तो हाई फ्लेम पे और वॉक जो है ना चाइनीज़ वॉक वो ले लें, उससे बड़ा बेहतरीन इफ़ेक्ट आ जाता है और जल्दी जल्दी पकते भी हैं। और सबसे खासियत आपके राइस की ये होनी चाहिए कि वो पुराने होने चाहिए, एक से समझे 2 दिन पुराने होंगे तो बड़ा बेहतरीन सा उसका टेस्ट आएगा, और वो जो आपके चावल अगर फ्रेश होंगे ना तो बिल्कुल पिलपिले हो जाते हैं, वैसे उसमें कोई मस्त वाली बात नहीं है। और बिल्कुल छोटा दाना अगर लेना फ्राइड राइस में, हम लोग क्या करते हैं बासमती चावल लेते हैं, जो कि ओरिजिन जो है ना मेनली जो आपके फ्राइड राइस का वो आपके कोरियन और आप जितने भी चाइनीज़ लोग हैं वो बिल्कुल जो टोटा चावल होता है ना उसमें बनाते हैं, और उसी तरीके से आपने बनाना चाहिए। हम लोग तो ऑब्वियसली अपना मिक्स मैच कर लेते हैं चीज़ों का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के साथ भी ये बड़ा बेहतरीन सा ये यहाँ पर हो गए। अब मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर के साथ हम स्लरी बनाएंगे और बस इसको हम रेडी कर लेंगे। इसको मैं प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से आपके राइस होते हैं ना वैसे नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी ग्रेवी होगी फिर ऊपर राइस के ऊपर ये डाली जाएगी। तो यहाँ पर स्लरी मैं बना लेता हूँ, 1, 2 एंड इसके साथ पानी, ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है ना ये रेडी हो जाए, फिर हम इसको ऊपर डाल देंगे राइस के ऊपर। बड़ा बेहतरीन सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत डिफरेंट है ये, एंड ये बिल्कुल वो नहीं है जो आपके मंचूरियन टाइप का होता है, बहुत अलग तरीके का फ्लेवर होगा इसका। बस यहाँ पर इसको हम अच्छे तरीके से बस मैं कर दूँगा मिक्स, और इसको और मज़ीद थोड़ा सा पकाऊँगा ताकि ये जो सा कलर है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डाइल्यूट होते हैं। देयर यू गो, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाता है। परफेक्ट, बस यही कंसिस्टेंसी आपकी चाहिए। अब मैं कर दूंगा चूल्हा बंद, आ जाते हैं राइस पे, चूल्हा ऑन है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे एंड इसमें जाएगा बहुत सारा गार्लिक, पूरा एक जो आपका बल्ब होता है ना प्रॉपर जो आपका गार्लिक का होता है वो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चॉप करके रखा हुआ है तो सिंपल वो ऐड करूँगा और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूँगा। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन जावेद फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज क्या बना रहे हैं बेटा आप? आज प्रॉन राइस है और हुमस प्लाटर है।
अच्छा अच्छा जबरदस्त। असल में हमारी लाइट नहीं है इसलिए मैं देख नहीं पा रही, रिपीट में देखूंगी। चलो ठीक है। लाइट ने तो बड़ा तंग किया है वैसे, बहुत ज्यादा। आप लोगों को भी तंग किया हुआ है, हर जगह लाइट है ही नहीं। अच्छा अच्छा चलो, आप जो है टिक्का बोटी बनाना सिखाए। ठीक है, चलें ठीक है। मैंने वैसे ईद की जो मेरी एपिसोड थी ना उसमें पूरा टिक्का प्लेटर, बारबेक्यू प्लेटर है ना, वो मैंने बनाया था, तो आप लाजमी उसको जाके देखें। तो सारी आपको मलाई बोटी भी दिखेगी, उसमें टिक्का भी दिखेगा, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, एंड कबाब भी मैंने बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर गार्लिक, ऑब्वियसली गार्लिक आपने पूरा का पूरा एक बल्ब लेना है, समझे 6 से 7 जबे होते हैं, उसको चॉप कर लेना है। यहाँ पर प्याज मैंने ले लिया है, एंड मैं क्या करूँगा, सारी वेजिटेबल्स जो है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ सॉटे करेंगे। कैप्सिकम, वही सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे, जितनी वेजिटेबल्स हैं आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैरेट्स, मैंने जुकीनी भी ऐड किए, एंड कैबेज। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर सॉटे कर लेना है, ताकि इसके साथ बड़ा बेहतरीन सा सारा का सारा जो फ्लेवर है ना। फिर हम राइस ऐड करेंगे सबसे एंड में। हमेशा राइस को पहले नहीं पकाते, अगर आपने पहले पका लिया तो बिल्कुल वो पिलपिले होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि थोड़ा सा सीजन हो जाए, एंड जो मैंने आपको बताया था जो एक पेस्ट है टॉमियम पेस्ट, वो मैं ऐड करूँगा। ये बिल्कुल गाढ़ी होती है और बहुत थोड़ी सी स्वीट होती है, स्वीट टेक्सचर में होती है, एंड यहाँ पर एक अदद जो क्यूब है वो ऐड कर देंगे। एंड इसके साथ ही थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा, एंड ऑब्वियसली इसको आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है। पानी इसलिए ऐड किया ताकि ये पेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, एंड जो क्यूब मैंने डाला है वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाए। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये प्रॉन राइस बन रहे हैं, ये आपके यूजुअल प्रॉन राइस नहीं है जो हम लोग हर चीज़ मिक्स करके एक ही पॉट में डाल देते हैं। ये बिल्कुल अलग ग्रेवी बनेगी, एंड साथ में जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं वो ऐड होंगी इसके अंदर, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसमें सॉल्ट सिंपल मैंने थोड़ा सा सीजन किए, इसलिए क्योंकि इवेंचुअली सारे सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं वो हमारे जो ग्रेवी है इसके अंदर है। तो इसको मैं मिक्स करूँगा अच्छे तरीके से, एंड इसके साथ साथ जो सॉस जाएगी वो ऑब्वियसली ऑप्शनल है। इसके साथ थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग भी आप डाल सकते हैं, मेयोनीज भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं सॉस बनाऊँगा केचप है, एंड ज़रूरी नहीं है मेयोनीज ऐड करना, वो ऑप्शनल है। तो सॉस में क्या क्या चीज़ जाएंगी, केचप जाएगी, सराचा जाएगी, एंड स्वीट चिली जाएगी। मैं मेयोनीज ऐड नहीं कर रहा, आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल वो फिर जो है ना थाउजेंड आइलैंड की शेप आ जाती है, उसकी लुक आ जाती है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स भी हो गई हैं, बस इसको मैं क्या करूँगा अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं मिक्स किए जा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो हमारी सॉस थी टॉमियम वो इसके अंदर मिक्स हो चुकी है, एंड बहुत ही समझे कि स्वीट सा टेस्ट आएगा अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो। एंड यहाँ पर मेरे पास राइस थे, मैंने उसको फ्रीज़र के अंदर रखे हुए थे ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना, बिल्कुल ये जो छोटा चावल होता है वो यहाँ पर बॉयल करके मैंने रखा हुआ है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे ये 2 कप थे, 2 कप मैंने बॉईल करके रख लिए यहाँ पर। एंड जब आप लोग घर में बनाएं तो प्लीज़ 1 से 2 दिन पुराना चावल यूज़ करें, ताकि वही खासियत होती है आपके बेहतरीन से फ्राइड राइस की। इसी का स्पून ले लेते हैं, एंड बस आपने क्या करना, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना। और साथ में मेरे पास अंडे हैं 3 अदद, बस उसका मैं क्या करूँगा, ऑमलेट बनाऊँगा फेंट के, और उसको भी हम क्या करेंगे, चॉप करके इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा। ये बड़े बेहतरीन से हमारे जो राइस है ना, ये भी समझें रेडी हो चुके हैं। चूल्हा कर दूँगा बंद, और इतनी मज़ेदार खुशबू उसकी आ रही है, ये आपके वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके जो नॉर्मल जिस तरीके से आप लोग घर में फ्राइड राइस बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अलग है, एंड इसका फ्लेवर भी बहुत अलग है, थोड़ा सा स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर होगा। एंड यहाँ पर आ जाते हैं सॉस पे, एंड सॉस सिंपल एक ही बोल में मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास केचप है, केचप के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर सराचा सॉस है, एंड स्वीट चिली, ये स्वीट चिली मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर आप मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, एंड सराचा। इस तरीके से आपने इसको
मिक्स कर लेना है और सबसे ऊपर एंड में इसको ड्रिजल करेंगे। सॉस भी हो गई, राइस भी हो गए हैं, प्रॉन्स भी हो गए हैं। आ जाते हैं इधर हुमस प्लेटर पे। बहुत इजी है, सिंपल। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर चिकन के पीसेस हैं, चार फिलेट्स इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। सॉल्ट एंड पेपर से इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीजन करूँगा। उसके बाद क्या क्या चीज़ें और मज़ीद मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर मेरे पास दो कप के हिसाब से मैंने जो चने हैं ओवरनाइट सोक कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसको मैंने बॉयल कर लिया था सुबह। अब यहाँ पर आप इसके छिलके जो है ना, अगर आपको दिख रहे हैं तो वो डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। जैसे आप डिस्कार्ड कर देंगे इसको स्ट्रेन आउट करके ठंडा कर लें। अब यहाँ पर तिल है एंड हुमस, बहुत जल्दी एंड बहुत क्विक मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनता है। चिकपीज हो गए, यहाँ पर जो तिल है उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद अब मैं जैसी ब्रेक से वापस आएंगे तो चॉपर ले आऊँगा, ताकि चॉपर में हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। यहाँ पर टोस्टेड हुए हुए सेसमी सीड्स, चिकपीज, थोड़ा सा नमक, यहाँ पर थोड़े से गार्लिक क्लोव्स हैं वो जाएंगे, और आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स से होता ही है कि बहुत अच्छे तरीके से वो एक ब्लेंडिंग पावर हो जाती है और एक फाइन पेस्ट जो होती है ना वो बन जाती है। तो आपके सामने प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर थोड़े से क्रूटॉन्स हैं। अब यहाँ पर पपरिका की जगह आप सुमक पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि सुमक पाउडर वैसे मिलता बड़ा कम है मार्केट्स में, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा अर्थी होता है, बहुत ये समझे अरबिक खानों में बहुत यूज़ होता है, तो वो यूज़ करेंगे। ऑलिव्स हैं, थोड़े से कैरेट्स हैं, एंड पीटा ब्रेड भी रखी हुई है, ताकि उसको भी हम प्रॉपर तरीके से जो है ना आपके सामने सर्व करेंगे। पूरा एक होलसम प्लेटर होगा, उसके अंदर चिकन भी है, हुमस भी है, कैरेट्स भी हैं, ऑलिव्स भी, एलोपिनोज भी हैं, सारी चीज़ें मिक्स होकर वो खाया जाता है, बड़ा मज़ेदार होता है। एंड यहाँ पर हमारी सारी ये जो पेरी डिश है वो रेडी हो चुकी है, बड़ी आसान, बहुत जल्दी। बस इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बड़े से डिश के अंदर बस इसको मैंने सर्व करना है, ताकि ऊपर ग्रेवी जाएगी एंड बस ऑमलेट जो है ना वो भी स्टार्ट कर देते हैं बनाना। किस तरीके से बनाएंगे वही आपने करना है, कि बड़ा बोल के अंदर आप लोग अंडे तोड़ के डालें एंड उसमें आपने सिंपली क्या करना है, नमक और काली मिर्च अगर डालनी तो कर लें, वरना अदरवाइज ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना फ्लेवरफुल यहाँ पर वैसी ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। मैं तीन अंडे यूज़ कर रहा हूँ, बस तीन अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं अपने हिसाब से, कि अगर आपको बिल्कुल सही लगे तो आप वो यूज़ करें। एंड ये तीसरा, बहुत इजी है सारी चीज़ें, बस ये आपने जो है ना अपने दिमाग में रखना है कि ये लाजमी जो है ना बड़ा अलग तरीके की जो डिश है, तो इसको इसी तरीके से आपने बनाना है। एंड ऑब्वियसली चावल आपका पुराना होना चाहिए। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोग घर में किस तरीके से बनाते हैं। एंड यहाँ पर जो अंडे हैं उसको मैं फेंट लूँ, थोड़ा सा एक जो है ना शेल रह गया है, बस उसको मैं थोड़ा सा देख लूँ कि कहाँ है बेचारा, वो उसको फिर मैं निकाल लूँगा। आप लोग जाएँ ब्रेक लें, ब्रेक का भी टाइम आ गया है। एंड जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम मज़ेदार सा लोडेड हुमस प्लेटर रेडी करेंगे। लोडेड हुमस प्लेटर, अज्जा, चने दो कप, भुने सफ़ेद तिल एक चौथाई कप, लहसुन एक जवा, नमक एक चुटकी, तेल हंसपे ज़रूरत, सुमक पाउडर एक चाय का चमचा, जैतून एक चौथाई कप, ग्रिल चिकन क्यूब्स एक कप, हेलपेनो एक चौथाई कप, क्रोटोन्स दो स्लाइस, पीटा ब्रेड दो स्लाइस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे पहली डिश रेडी हो चुकी है एंड राइस को मैं प्रॉपर तरीके से प्लेट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड जो ग्रेवी है हमारी वो भी आप देख सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से सिजल हो रही है। वैसे तो इसको हम सिजलर प्लेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है ना सिजलर प्लेटर पे अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर हमारे जो एग्स हैं वो भी ऐड कर देंगे प्रॉपर तरीके से, एंड देयर यू गो। इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से जो अंडा भी है ना ऊपर रख लेना है, क्योंकि हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से बीच के अंदर डाल देते हैं तो वो बिल्कुल है ना ऐसा घुल जाता है, पता भी नहीं चलता वो कहाँ गया अंडा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड करें। एंड हमारी वैसे बड़ी जल्दी ये जो डिश है ना रेडी हो गई है। एंड ये जो हमारे प्रॉन्स हैं बस आपने इस तरीके से ऊपर डाल लें, ये इस तरीके से सारे के सारे प्रॉन्स जो है ना आपने ऊपर डाल देने हैं। एंड जो एक्सेस यहाँ पर सॉस रह गई है वो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रैमेकिन के साथ इसको प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं एज अ साइड, जो आपकी सॉस होती है ना उस तरीके से, ठीक है। बेचारे एक बिट रह गया, इसको भी यहाँ रख देते हैं। ये हमारे सारी चीज़ें पहली हमारी रेडी हो गई है, अब इसको मैं थोड़ा सा साइड करूँ
एंड फिर आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पे। एंड इसमें साथ में जो सॉस है वो भी रह गई, ऑब्वियसली वो भी इसी के साथ ऐड करनी है। इसके अंदर मेयोनीज भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ना इसका बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा, स्वीट एंड टैंगी सा फ्लेवर आता है इस राइस का। एंड इसी तरीके से फुल आपने जो है ना सॉस को ज़्यादा ड्रिजल ना करें, बहुत थोड़ा सा बस, दे यू गो, परफेक्ट। आ जाते हैं लोडेड हुमस पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके चने हैं वो ऐड करने हैं इसके अंदर। हाथ मैंने पहले ही धो लिए, ये प्रॉपर तरीके से आपने बॉयल कर लेना है, ठीक है। मैं इसको बिट्स एंड पीसेस में करूँगा, बैचेस में करूँगा। एंड साथ ही मैं फ्राइंग पैन जो है ना हमारा, एक काम करते हैं इसी को यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या करना है, जो हमारे सेसमी सीड्स हैं वो ऐड करने हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको टोस्ट करूँगा, बस ये अच्छे तरीके से टोस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा, थोड़ा सा ऑयल जाएगा। एंड ऑयल के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर गार्लिक क्लोव डालेंगे। इनफैक्ट आपके सामने गार्लिक क्लोव जो है, यहाँ से एक से दो या तीन ऐड कर लें, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। एंड नमक जो है ना वो भी ऐड करना है, ये नमक भी चला गया अपने हिसाब से, ज़्यादा इसको नमक भी ऐड नहीं करना आपने। बस हमारे सेसमी सीड्स जो है ना वो अच्छे तरीके से टोस्ट हो जाएं, बस वो मैं ऐड कर दूँगा। तहीनी पेस्ट बड़ी एक्सपेंसिव होती है तो वो ना लें। सिंपल आपने क्या करना है, इसको टोस्ट करके अच्छे तरीके से ऐड कर देना है। ऑयल डालूंगा, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़े से आइस क्यूब्स है ना वो भी ऐड करूंगा, ताकि बड़ा बेहतरीन सा एक पेस्ट बन जाए। एंड ऑब्वियसली आपने इसको बस रखना नहीं है, सेसमी सीड्स को देखें, ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको टोस्ट करना है, ताकि अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऐड करेंगे बड़ा बेहतरीन सा आपका जो हुमस है ना वो रेडी हो जाएगा। मैं ऐसे तरीके से घर में बनाता हूँ एंड बड़ा बेहतरीन बनता है। इसके अंदर आप सुमक पाउडर डालें, पपरिका भी डाल सकते हैं। एंड इसी तरीके से बीटरूट का हुमस भी बनता है, तो एक न्यू फ्यूजन है वो भी, तो वो लेकिन लोगों को ऐसा इतना पसंद नहीं आता कलर की वजह से भी, और जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा ब्लैंड साइड में होता है, ठीक है। तो वो आप उसके अंदर गार्लिक भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस है, लेकिन आई थिंक जो यूजुअल है ना वो ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ईजियर वर्जन जो है ना आपका हुमस का, वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम पीस को जो है ना हम रेडी करें। वन फोर्थ कप मैंने ऑयल ऐड किया है। एंड साथ साथ इसको भी देख लूँ, ये जैसे ही दूध की तरह जो होता है ना, जैसे ये जलना शुरू ना हो जाए बस। अच्छा अच्छा, इसको भी प्रॉपर तरीके से एक फाइन पेस्ट हमें चाहिए। बस ये भी होना शुरू हो जाए। एंड आइस क्यूब्स भी मैं ऐड करूँगा, ऑयल ऐड करूँगा, बड़ा बेहतरीन सा आपका जो हुमस है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। गार्लिक अपने हिसाब से ऐड कर लिए, तीन क्लोव्स डाल दिए, मोर देन इनफ है। बस को थोड़ा सा टाइम लगता है सेसमी सीड्स को, और मैं इसलिए बार बार स्टर कर रहा हूँ क्योंकि एक जगह रखेंगे तो एक साइड से वो जलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा भी जल गया तो समझे आपका हुमस ख़राब हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, सेसमी सीड्स को वापस टोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन सा वाइब्रेंट हो गया, हल्का हल्का सा, बस यही है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर दूँगा मैं इसी के साथ, और मज़ीद ऑयल को भी साथ साथ रखेंगे एंड यहाँ पर साथ साथ इसको चलाते भी रहेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस बंद करूँगा और इसके अंदर जो सेकंड बैच है वो भी हम और मज़ीद ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लेंथी है ये प्रोसेस, बस आपने इसी तरीके से करते रहना है। एंड सेसमी सीड्स अगर आप बोलें तो कितने, 2/3 कप के हिसाब से मैंने सेसमी सीड्स भी ऐड कर ली है। एंड बस इसी तरीके से ऑयल जो है ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें आप, तो कैनोलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑयल ऑयल आपके पास घर में मौजूद है आप इजीली यूज़ कर लें। और इसी के साथ इसको हम और मज़ीद प्रॉपर तरीके से चला लें। साथ में चिकन भी हमने बनाना है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ चिकन जो है ना उसको रेडी करना शुरू करता हूँ। सिंपल हम क्या करना है, यहाँ पर फ्राइंग पैन
मैं ले लेता हूँ। इनफैक्ट एक जैसी ब्रेक आएगी तो फ्राइंग पैन आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसको वॉश की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ब्रेक का भी टाइम आ गया। जैसे ही आप ब्रेक से वापस आएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मीन बाइल इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर चॉपर में इसको चॉप करूँगा। चॉप क्या, इनफैक्ट प्रॉपर तरीके से एक पेस्ट बनानी है। ऑयल भी ऐड करूँगा। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। लोडेड हुमस प्लेटर। अच्छा, चने 2 कप, भुने सफ़ेद तिल 1/4 कप, लहसुन 1 जवा, नमक 1 चुटकी, तेल हसपे ज़रूरत, सुमक पाउडर 1/4 चम्मच, जैतून 1/4 कप, ग्रिल चिकन क्यूब्स 1 कप, हेलपेनो 1/4 कप, क्रोटोन्स 2 स्लाइस, पीटा ब्रेड 2 स्लाइस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर चिकन को मैं सिंपल सॉल्ट एंड पेपर के साथ सीजन कर लिया है, एंड इसको बस हमने क्या करना है, यहाँ पर पकाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर बिट्स एंड पीसेज हैं छोटे छोटे, उसी के साथ इसको बस गोल्डन ब्राउन करना है। एंड यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा, देख सकते हैं, हुमस भी रेडी हो चुका है। इसी तरीके से होना चाहिए। इसको और मज़ीद थोड़ा फाइन पेस्ट कर देता हूँ। बस इसको आपने अच्छे तरीके से चलाना है। आइस क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए थे इसलिए क्योंकि आइस क्यूब्स के साथ ही इसकी बड़ी फाइन सा एक टेक्सचर आता है, तो बस इसको चला देंगे ताकि ग्रेनी ना रहे। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ऐसा बेहतरीन बना है। एंड बाज़ार से भी अगर आप लेंगे ना, तो ऐसा घर में जिस तरीके से चीज़ बनती है, परफेक्ट। चिकन भी हो गया हमारा, थोड़ी सी देर और करेंगे। एंड यहाँ पर थोड़े से क्रूटॉन्स हैं, क्रूटॉन्स होते क्या हैं वैसे, एंड अगर आप बाज़ार से लें तो वो बड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस को छोटा छोटा क्यूब्स में काटना है। एंड यहाँ पर पीटा भी है, तो बस इसी तरीके से इसको थोड़ा सा सीजन करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ, उसको टोस्ट कर लें, बस बड़ा आपके बेहतरीन से सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो जाएंगी। एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको देख लें, इसका जो टेक्स्चर जो है ना बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर आ चुका है हुमस का। इसको और मज़ीद थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको फाइन पेस्ट करूँगा ताकि अच्छा और हो जाए। एंड फ्राइंग पैन मुझे एक और दे दें ताकि हम हमारे जो क्रूटॉन्स हैं वो अच्छे तरीके से उसको हम सीजन कर लें। चिकन भी गोल्डन ब्राउन हो गया, सिंपल सॉल्ट एंड पेपर मैंने ऐड किया है। अब हुमस भी रेडी है, बस इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेटर आपने लेना है। एंड चलें हम इसमें एक प्लेटिंग कर देते हैं, फिर मैं आपको एक और भी करके बता दूंगा। सिंपल इसको एक इस तरीके से आपने करना है यहाँ पर, ये प्रॉपर तरीके से आपने ये जो हुमस है वो ऐड करना है इस तरीके से। मैं इसको और ज़्यादा आप फाइन पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक अपनी चॉइस है आपकी, जितना आपने इसको करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं क्लियर अप कर लूँ। हमारा पैन भी आ गया, बस मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसको भी थोड़ा सा टोस्ट करूँगा, थोड़ा सा इसमें भी सॉल्ट एंड पेपर ऐड करूँगा। बस ये होते हैं आपके क्रूटॉन्स जो बड़े महंगे मिल रहे होते हैं बाज़ार में, तो घर पे ही सारी चीज़ें बना के ना आप लोग ईजिली इसको कर सकते हैं। ये इस तरीके से प्रॉपर। आज हमारे डायरेक्टर साहब बड़े अच्छे मूड में हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर बस हमने थोड़े से ऑलिव्स एंड एलोपिनोस इस तरीके से रखना है। ये ऑलिव्स एंड एलोपिनोस दोनों इस तरीके से आपने बीच में ऐड कर देना है। एंड जो चिकन के पीसेस है वो भी ऐड कर दूंगा। एंड बस आपने क्या करना है, बस इसको टॉस इन करना है सारी चीज़ों को इसके अंदर, साथ साथ हमारे जो क्रूटॉन्स है ना उसको भी आपने देखना है इस तरीके से। जो चिकन के पीसेस हैं वो भी डाल दें, एंड थोड़ा सा जो सुमक पाउडर है वो ऐड करूँगा मैं इस तरीके से। देर यू गो। एंड जो आपके पीटा ब्रेड है उसको इस तरीके से आप साइड में यूं करके सर्व कर दें। इस बेचारे माई क्रूटॉन्स जो है ना उसको भी मैं देख लूँ, हल्का सा इसको सॉल्ट एंड पेपर के साथ या मिक्स हर्ब के साथ सीजन कर सकते हैं, वैसे आज नीड नहीं है। एंड यहाँ पर वैसे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। सुमक डाल दें, पेपरिका डाल दें, अप टू यू। बस ये अच्छे तरीके से टोस्ट हो जाए। थोड़ा सा जो ऑयल है
बहुत हल्का सा मैं इसको एक से दो ड्रॉप बस ये अच्छे तरीके से ये टोस्ट हो जाए, कलर आ जाए, बस वो भी मैं ऐड कर दूंगा एंड इसको एक और बड़ा प्लेटर बना दूंगा। मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और मज़ीद थोड़ा सा ना इसको अंदर मैं आइस क्यूब्स ऐड करके इसको और ज़्यादा फाइन पेस्ट कर लूँगा ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए एंड उसके बाद एक और सर्विंग प्लेटर में इसको मैं सर्व कर दूंगा। आप लोग जाए रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। फ्राइड प्रॉन्स राइस, अज्जा प्रॉन्स एक एक चौथाई किलो, उबले चावल दो कप, तेल हसबे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट एक खाने का चमचा, अनियन पाउडर एक चाय का चमचा, नमक एक चुटकी, कुटी लाल मिर्च डेढ़ चाय का चमचा, अंडे तीन अदद, प्याज चॉप्ड एक अदद दरमियानी, गाजर चॉप्ड एक कप, शिमला मिर्च चॉप्ड एक अदद, लाइट सोया सॉस दो खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड दो खाने के चमचे, टोम यम सॉस के लिए मेयो एक कप, टोमेटो केचप एक तिहाई कप, सिराशा सॉस दो खाने के चमचे, स्वीट चिली सॉस दो खाने के चमचे। तरकीब, एक बड़ी कढ़ाई में लहसुन डालें, साथ ही झींगों को तमाम मसालों के साथ शामिल करके भून लें। दूसरे बड़े बर्तन में चावल, अंडे और सब्जियां डालकर अच्छी तरह भूनकर मिक्स करें। अब टोम यम सॉस के अज्जा मिक्स करके सॉस तैयार कर लें और फ्राइड प्रॉन्स राइस पर डालकर सर्व कर दें। लोडेड हुमस प्लेटर, अज्जा चने दो कप, भुने सफ़ेद तिल एक चौथाई कप, लहसुन एक चवा, नमक एक चुटकी, तेल हसबे ज़रूरत, सुमक पाउडर एक चाय का चमचा, जैतून एक चौथाई कप, ग्रिल्ड चिकन क्यूब्स एक कप, हेलपेनो एक चौथाई कप, क्रोटोन्स दो स्लाइस, पीटा ब्रेड दो स्लाइस। तरकीब, ब्लेंडर में चने के साथ टोस्ट किए हुए सफ़ेद तिल डालकर इसमें लहसुन और नमक मिला दें। ज़रूरत हो तो आइस क्यूब्स और तेल शामिल करके बारीक पेस्ट बना लें। फिर ग्रिल्ड चिकन क्यूब्स, जैतून, हेलपेनो, क्रोटोन्स, सुमक पाउडर और पीटा ब्रेड के साथ प्लेटर पर सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। हुमस प्लेटर भी रेडी हो गया है एंड एज यू कैन सी हुमस भी बहुत जल्दी जो होता है ना क्विक वाला, वो आपको बता दिए रेसिपी किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा आइस क्यूब भी डालने, पानी आपने नहीं डालना उसके अंदर, पानी भी अगर आपको लगे कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक हो गई थोड़ा सा डालने, लेकिन आई थिंक आइस क्यूब्स इज लाइक यू नो कैन डू वंडर्स विद हुमस। एंड इसी के साथ यहाँ पर थोड़े से क्रूटॉन्स भी डाल दिए, ऑलिव्स भी हैं एंड एलोपिनोज भी हैं, फुल एक प्लेटर है। थोड़े से यहाँ पर जो है ना मैंने, आप क्यूकम्बर्स भी रख सकते हैं एंड जो ब्रेड स्टिक्स होती है वो भी रख सकते हैं, कैरेट्स भी रख सकते हैं जिस तरीके से मैंने रखी है, पीटा ब्रेड है एंड यहाँ पर हमारे बेहतरीन से राइस जो है ना वो भी रेडी हो चुके हैं जिस तरीके से घर में आप लोग ईजिली बना सकें। थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा सा टेस्ट अलग है, लेकिन बहुत मज़ेदार स्वीट एंड टैंगी का जो फ्लेवर है ना कॉम्बिनेशन फ्यूजन वो इसके अंदर है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Masala to your life.